الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القران المجيد يسالونك عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله ومولانا العظيم अल्ला सैदना मुहमद वाहली सैद ना मुहद मबारिक वलम् अल्ला सैदना मुहमद वाहली सैदिनहम्मद मबारिक वलम अल्ला सदन मोहम्मद वाह आ सैद ना मुहमद मबारिक वलम आज का टॉपिक है दी मून साइटिंग सुन्ना वर्सेज मॉडर्न साइंस चाँद देखने की जो वाजिब सुन्नत है बामिला जदीद साइंस लेकिन इससे पहले कि गुफ्तु का आगाज़ किया जाए आप भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को लाइक भी करें शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा ये पुरान मैसेज उन और भाई और बहनों तक पहुंच सके जिन तक अभी तक ये मैसेज नहीं पहुंचा मेरी दुआ है मेरे भाइयों और मेरी बहनों के ये रमज़ान आपके लिए मेरे लिए हम सब के लिए हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान हो जो आयत शरीफा आपके सामने तलावत की गई वर्स नंबर 189 एटी नाइन बकरा इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यस अलूना न का अनिल्ला अनिल ए मेरे प्यारे रसूल ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे लोग पूछते हैं हिलाल के बारे में नए चांद के बारे में क्रेसेंट के बारे में उल आप फरमा दीजिए हे या मवाकी तो लन्नासी व हज कि इसमें लोगों के वास्ते मुक़र्रर अवत हैं लोगों के वास्ते और हज के लिए अब आइए ज़रा इससे पहले कि हम अदीस की तरफ जाए नबी करीम अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक दुआ सिखाई कि जब नया चाँद देखो उनतीस की शाबान को जब चाँद देखो और चाँद नज़र आ जाए तो यह दुआ पढ़ो अल्लाहु आलिन बिलयम वल ईमान वस्सलामा वल इस्लाम व तोफ़ी लीमा तो हिब्बो व तरद रब्बी व रब्लाका मफहम यह है अल्लाह, आप इस नए चाँद को हमारे लिए बबरक़त बना दीजिए ईमान सलामती और इस्लाम अमाल की तोफ़ी के साथ निकला हुआ बना दीजिए वो आमाल अल्लाह जो आपको पसंद हैं जिनसे आप राज़ी हो जाएं और ए चांद मेरा और तेरा रब अल्लाह है सुबह तो ये जो आयत शरीफ़ा है इसमें औकात का ज़िक्र है तो हमारी जो इबादत हैं दीन इस्लाम की नमाज़ का ताल्लुक़ सूरज के साथ है और ज़वात रमज़ान और हज का ताल्लुक चांद के साथ है तो ये बुनियादी बात है जो समझना ज़रूरी है अब आइए ज़रा नमाज़ के अवात के बारे में देखते हैं कि अल्लाह पाक ने नमाज के अकात के बारे में क्या इशात फरमाया चुनाच अल्लाह ताली इश्त फरमाते हैं सलात तकानत अल्मीना किताब मौकूता ये कलाम पाक की आयत है बेशक नमाज मुमिनीन के लिए अपने वक्त मुक़र्रर के ऊपर फर्ज की गई है लिहाजा नमाज को उसके वक्त मुक़र्रर ही में पढ़नी है फजर की नमाज़ फजर में पढ़ी जाएगी जोर की नमाज जहर में असर के असर में मगरब और इशा की अपने अवकात में लिहाजा जोर की नमाज असर की नमाज जोर के साथ नहीं पढ़ी जा सकती इसको कहते हैं जमा सलातन दो नमाज़ों को जमा करना तो उसका सुन्नत तरीका ये है कि जोहर को आप इतना डिले कर दें अगर सफ़र में है अमूमन सफ़र में ऐसा होता है कि असर में अभी दस मिनट रह गए हैं तो उस वक़्त आपने अपने जोर अदा की जितने में आपने जोर अदा कर ली असर का वक्त दाखिल हो गया उसमें आपने असर पढ़ ली ये मुराद है ये मुराद नहीं है कि आप असर को सुबह अल्लाह जोर में पढ़ लें इसको इस मसले को कहते हैं जमा सल है। तो एक तो ये बात समझें दूसरी बात यह है कि फजर की नमाज की डेफिनेशन क्या है चूँकि ऐसे ऐसा वक्त आ सकता है कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है ऐसा वक्त आ सकता है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी एज़ वी नो इट शायद हमारे साथ ना रहे तो इन मसाइल का जानना ज़रूरी है हर कलमा को आकिल और बालिग मुसलमान के लिए सुबह सादिक उस सफ़ेदी को कहते हैं जो मशरक़ की जानिब से जहां से सूरज तुलू होने वाला है सूरज निकलने से तकरीबन डेढ़ घंटा पहले आसमान के किनारे पे चौड़ाई में इन इट्स शमालन जुनूबल दिखाई देती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और जल्दी जल्दी दाएं बाएं फैलती है यहां तक कि तमाम आसमान पर फैल जाती है और फिर उजाला हो जाता है तो इसको फजर का वक्त कहते हैं मिसाल के तौर पे आज फजर का वक्त यहां में दाखिल हुआ 4:57 ए एम तो 4:57 फिफ्टी एम पे सुबह सादिक का वक्त शुरू हुआ फजर का वक्त तो आप अपना रोजा अगर आज ने आपने रोजा रखना था तो 4 55 तक एहतियातन बंद कर दें यानी फोर फिफ्टी सॉरी आई टेक इट बैक अगर फोर फिफ्टी हाँ फिफ्टी सेवन पे आज फजर का वक्त दाखिल हुआ फोर फिफ्टी सेवन पे तो एहतियात यह है कि फोर फिफ्टी फाइव पे खाना पीना बंद कर दे अगर सुबह सादिक का वक्त दाखिल हो गया तो फिर रोज़ा वैलिड नहीं रहेगा फिर आगे आए सुबहानल्ला जहर का वक्त जोर का वक्त सूरज जब ढल जाता है तो सूरज जोर का वक्त शुरू होता है और उस वक्त तक रहता है जब तक कि हर चीज का सा असली हर चीज का साया साया असली के अलावा दो दुगना हो जाए ठीक है फिर असर का वक्त साया असली के अलावा किसी चीज़ का साया दो मिसल हो जाने के वक्त से गुरूब शम्स सूरज गुरूब होने से यानी लखता भर पहले तक रहता है तो इसमें एहतियात है अच्छा इसीलिए हम गर्मियों में यहाँ पे वर्जीनिया में साढ़े छः के करीब असर पड़ते हैं अकामत के साथ तो उसकी यही वजह होती है क्योंकि इसमें एहतियात है मगरब का वक्त जब सूरज गुरूब हो जाए यानी शफ के गायब होने तक रहता है अच्छा शफ के अहमर उस सुर्ख सुर्खी को कहते हैं जो सूरज गुरूब होने के बाद मगरब की तरफ रहती है और इसमें आसानी और वसत है और फिर वो सफ़ेदी जो सुरखी के बाद शफ़ अहमर के बाद जिसको शफ़ अबियस कहते हैं वो शुमला जनूबन चौड़ाई में सुबह सादिक की तरह फैलती है ठीक है ना तो मगरब की नमाज जल्दी पढ़नी चाहिए जो ही वक्त हो और आयमा हजरात की भी में भी मेरी गुजारिश है के मगरब में छोटी सूरतें पढ़ा करें ठीक है ना? यह हमत है उसमें अच्छा पढ़नी चाहिए ये यहमा अपने बड़ों से साजिश ने ही सुना और इशा का वक्त शफ़ के शफ शفक गायब होने के बाद इशा का वक्त शुरू हो जाता है ठीक है जी अच्छा अब हम आते हैं उन नबी करीम सल्ला वम की उन अहदीस की तरफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने उमर अलीम ने रवायत फरमाई और बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रवायत है आपने फरमाया लातसूम हत् तरउुल हिलाल वला तुफ तेरू हत्ता तरऊ तो फरमाया बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ अच्छा तो इस हदीस शरीफ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लातसूमू अब आप ने फरमाया फरमा रहे हैं कि लातसुमू से क्या मुराद है कि आपने रमज़ान शुरू नहीं करना जब तक कि आप चांद ना देख लें ये मफहूम है का। तो हुक्म कौन दे रहे हैं सैदना मोहम्मद तो ये नहीं है ये नहीं मना किया जा रहा है कि आपने ऐसा काम नहीं करना और जब अल्लाह और उसके रसूल सल्हल और बिलखसूस रसूल सल्म के जोकाम हैं फिर जो फुखाये कराम होते हैं उनका यह काम होता है कि वो इस हदीस के ऊपर एक एक हदीस के ऊपर गौर फिक्र फरमाते हैं और फिर इसमें से वो वजूबी और इस्तेबाबी मसाइल निकालते हैं और हमें उनको दुआ देनी चाहिए कि वो कितना बड़ा एहसान हम जैसे तालबी लोगों के ऊपर करके तो वहाँ यहाँ इस हदीस से यह मसला निकल रहा है कि ये वाजिब है तुम्हारे लिए अच्छा ईमान तीन चीजों के ऊपर है खड़ा हुआ है ये समझें कि ईमान के तीन पिलर्स हैं एक पिलर भी गिर गया तो ईमान खतरे में पड़ जाएगा और इस ईमान की वजह से दुनिया में हमारी हिफाजत होती है इस ईमान की वजह से हमारा खात्मा बिल ईमान होगा इनशाला और इस ईमान की वजह से हम आखरत के अजाब से बचेंगे और हम सब इनशा हम सब मुसलमान बहन भाई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी उम्मती हैं नबी करीम वसल्लम की शफात से हम जन्नत में जाएंगे जहां हम हमेशा हमेशा रहेंगे इनशाल्ल्ला हम सब वहां पे होंगे इनशा अल्लाह ताला की रहमत से और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से तो अब ये इन बातों को ज़रा तो तीन हैं वाजिब नंबर एक फ़र्ज़ फर्ज का इनकार नहीं किया जा सकता नहीं छोड़ा जा सकता है उसके बाद है वाजिब फर्ज दलील कति से साबित है ठीक है ना दलील कति किसको कहते हैं शराब हराम है सूद हराम है शिरक हराम है वालदेन की नाफरमानी हराम है जुआ हराम है श, आ, बेहियाई माजल्ला जिना हराम है अल्लाह मखजना तो ये सब चीजें हराम हैं ठीक ना तो दलील कति से साबित हो वाजिब दलील जन्नी से जो चीज साबित है और इसमें सिर्फ की का फर्क है वरना जिस तरह फर्ज जरूरी है इस तरह वाजिब भी जरूरी है ना फर्ज को छोड़ सकते हैं ना वाजिब को छोड़ सकते हैं तो ईद रमजान का चांद देखना ईद का चांद देखना यह वाजिब है किसी हालत में हम इसको छोड़ नहीं सकते उसके बाद सुन्नत मौकदा तो सुन्नत जिस तरह नाज नमाज बाजमात पढ़ना सुनत मौक़दा है तो हमने नमाज बाजमात पढ़नी ही पढ़नी है हाँ इतना है शरीयत ने रुख्सत दी है आदमी बीमार हो या बार बहुत बारिश हो तूफान हो स्नो स्लीट हो या सुबहान अल्लाह जानवर का या जान का खतरा हो खौफ हो वरना सुन्नत मौकदा भी नहीं छोड़ी जा सकती ये बहुत अहम है मेरे भाई और मेरी बहनों की हम इन बातों को समझें अगली हदीस शीफ की तरफ आए अबू हरारा रजी अल्लाह तुम इसके रावी हैं और ये भी बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रवायत है इसमें प्यारे आकाशलीसम दे रहे हैं सूमू ले रो या तही व अफ़ ले रो या तही सो अब ये अकॉर्डिंग टू अरबिक ग्रामर ये फिर अमर का सवा है और क्म कौन दे रहे हैं सैद्हद्ला और उनका हुक्म बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह ताला का हुक्म और सैद् महम्मद सल्ला वसम हमारे प्यारे रसूल सलाम जो अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं उनके बाद नबूत ख़त्म हो गया वो रहामीन भी हैं और वह खातमनबीन भी हैं वह शफीमबीन भी हैं हम गुनागारों की शिफात फरमाएंगे इन शो हमारे मोहसिन भी हैं उनके उम्मत के ऊपर बड़े एहसाना हैं उनके इंसानियत के ऊपर बड़े एहसानात हैं अगली हदीस शीफ की तरफ आइए फरमाया ये हदीश शरीफ तलमिजी शीफ की रवायत है और अबू हर रदी अल्लाह तबी हैं फरमाते हैं शाबान रमजान के लिहाज से शाबान के चांद को खूब अच्छी तरह गिनो हमने शिकागो हिलाल ने कन्फर्मेशन दी कि फिलहाल को फर्स्ट ऑफ शाबान है तो हमने अलहदुल्ला जहाँ तक मुझे याद पड़ता है टू द बेस्ट ऑफ पॉइटरी कलेक्शन इस आजिज ने हमारा जो ग्रुप है सबको टेक्स्ट कर दिया था तो वो उस हदीस पे अमल करना है हमने अब आगे आए अब आए साइंस की तरफ साइंटिफिकली अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट द डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट एन द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमून जब पहली तारीख का चांद होता है तो वो बहुत बारीक होता है फिर वो हिलाल होता है बढ़ना शुरू होता है हती के वो चौदहवीं का चांद बन जाता है और उसके बाद फिर वो छोटा होना शुरू होता है चौदहवीं का चांद यानी फुल मून उसके बाद वो छोटा होना शुरू होता है और एक वक्त ऐसा आता है कि अब वो चांद नजर नहीं आता साइंटिफिकली इट बिकम्स इनविजिबल वो नजर नहीं आता वो क्यों नजर नहीं आता अब साइंस उसकी एक्सप्लेनेशन ये दे रही है कि उस दिन चांद सूरज के सामने नहीं होता सामने नहीं आता और चांद का जो मदार है ऑर्बिट है वो ऐसा बनता है कि वो सूरज से रोशनी पाता है ना वो सूरज से रोशनी पाता है ना ही वो सूरज से उस दिन उस दिन रोशनी पाता है ना ही वो नजर आता है उस वक्त चांद कंप्लीटली डार्क होता है या चांद होता है इनविजिबल होता है नजर नहीं आता अच्छा जब ये बिल्कुल नजर नहीं आता तो साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड मून साइंस उसको मून कह रही है जब वो नजर नहीं आ रहा अच्छा अब जिस चांद का जिक्र कलाम पाक की इस आयत के में जो आपके सामने तलावत की गई यस यसअलू अनिल अनिल्ला आपसे पूछते हैं असलाम हिलाल के बारे में क्रैसट के बारे में नए चांद के बारे में उलहे या मवाक़ी तो ना हज आप फरमा दीजिए इसमें औकात हैं लोगों के लिए और हज के लिए ठीक है ना अब ये जो चांद है जिसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में किया जो अभी आपके सामने के साथ शेयर की गई तो ये वो चांद है जो अच्छा इस्लाम मुसलमानों का नया चांद वो क्या है अच्छा दिस अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यू मून अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना और नया चांद जो जिसको साइंस नया चांद कह रही है वो नजर ही नहीं आ रहा अच्छा अब क्या होता है हम उस चांद को अच्छा चांद बर्थ ऑफ न्यू मून चांद की पैदाइश अच्छा फॉर फिफ्टीन आवर्स चांद आने की कोई तो नहीं होती पंद्रह घंटे तक एटीन आवर्स में यकीनी सूरत बनती है और 23 थ्री आवर्स में बात पक्की हो जाती है जितने घंटे ज्यादा होंगे उतने इमकान ज्यादा होंगे बस इतनी सी बात थी इसका तुमने फसाना बना दिया ठीक है जी अब आप बात कि कुरान और हदीस में जो कि हम मुसलमान हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो कुरान और हदीस के नहीं मानते हम उनके लिए तो हैं अल्लाह उनको ईमान नसीब फरमाए लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों हमने तो कलमा पढ़ा है ना अब कलमा पढ़ने के बाद हम आज अल्लाह ये एटीट्यूड तो अडॉप्ट नहीं कर सकते कि अब रब्लाम कि अब चांद देखना जरूरी नहीं है तो बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है अब आए मजीद नबी करीम सल्लाम की सुन्नत की तरफ ठीक जी नबी करीम वसल्लम ने फरमाया तरक तो फी कुमेन मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं लन तमसक तुम बिहा, तुम कभी गुमराह नहीं होगे अगर तुम ने उन दोनों को मजबूती से थामे रखा और वो क्या है किताब अल्लाह व सुन्नती अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत तो नबी करीम वसल्लम हमारी पूरी जिंदगी के इमाम हैं ये गुमराह लोगों की बातें हैं देखिए हम दुआ मांगते हैं हर नमाज में एह दिन वमस्तकीम अल्लाह हमें नबी करीम वसल्लम के रास्ते पे चला हमें अंबिया और के रास्ते पे चला हमें साहब कराम के रास्ते पे चलामूब उन लोगों के रास्ते पे ना चला जिनको आपने बंदर बनाया था मेरे साथ ये बिल्लाही मिन ही तो पढ़ लें औजबिल्ला फिर क्या फरमाया उन लोगों के रास्ते पे जो अपने रसूल की मोहब्बत में इतने दूर गए कि माजल्ला उनको अल्लाह ताला का बेटा बना डाला तो हमने हम तो दुआ मांगते हैं हर रकत में नबी करीम सल्ण सल्ण के रास्ते पे चला तो एक तरफ हम वो दुआ मांगे और दूसरी तरफ हम कहें कि चांद देखना जरूरी नहीं तो ये तो बहुत खतरनाक बात है अब कुछ बातें और अर्ज करके फिर इंशाल्लाह बात खत्म की जाती है या अल्लाह या रब या अल्लाह या रब या अल्लाह या रब नबी करीम अलैहि वसल्लम की शफात के मुस्तक कौन लोग हैं तो यहाँ हजरत जी ने लिखा है अल्लाह हमारे मशा और इस को जज़ खैरता फ़रमाए हमारेमा को फरमाते हैं माशरे में दो तरह के लोग होते हैं एक वो जो सुन्नत से मोहब्बत करते हैं जिस तरह आप सब लोग या जिज़ हम तो सुनत से मोहब्बत करते हैं न और उस पर अमल करते हैं और कुछ वो होते हैं जो मुसलमान होते हैं होते तो मुसलमान है कल में तो पढ़ते हैं मगर अल्लाह न सुन्नत को अच्छा समझते हैं न सुन्नत पे चलने वालों को अच्छा समझते हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात है <coughs> अच्छा जब एक मुसलमान खिलाफ सुन्नत काम करता है तो उससे नबी करीम अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुँचती है ठीक है हम उस अहल सुन्नत पर जमात हैं हम अकैद नबी के कायल हैं कि नबी एक तमाम अम्बिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कबूर में जिंदा हैं एक बहुत आला अरफा बरसकी ज़िंदगी के साथ एक ये बात दूसरा हम इसके भी कायल है अर्ज अल्लाह ताला के हुक्म से मेरे साथ कह लें ताकि अकीदा महफूज रहे ताकि तोहीद तोहीद रहे और हम तारा शरीत के अंदर रहें अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों के जरिए मेरे और आपके अमाल नबी करीम सल वसम की खिदमत में पेश होते हैं और शिफ़ का मफहूम है तुम्हारे अमाल मेरे सामने पेश किए जाएंगे जब अमाल अच्छे होंगे तो मैं अल्लाह की हमद बयान करूंगा और जब आम आम अच्छे नहीं होंगे तो मैं इस्तार करूँगा सल अल्लाह अल्लम तो अब हम ये देखें कि हम कौन से अमाल भेज रहे हैं अल्लाह तो हर वक्त हर जगह मौजूद है ये तो खास है खुदाबंदी है हर वक्त हर जगह मौजूद होना जैसे उसकी शान है ये तो खास है खुदाबंदी है लेकिन प्यारे अलैहि वसल्लम की बरसखी ज़िंदगी बहुत आला और बहुत अर्फा है बहुत बुलंद है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते अच्छा अब तो एक तो ये बात अब बात ख़त्म करने से पहले हजरत ने लिखा है कि हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पूछें तुमने मेरी सुन्नत का गम क्यों नहीं खाया तुमने मेरी सुन्नत का गम क्यों नहीं खाया फरमाते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे तुम मेरे मेरी सुन्नत का गम क्यों नहीं खाया अगर अल्लाह के प्यारे हबीब वसल्लम ने पूछा तो हम क्या जवाब देंगे आप अरफात में रोए हमारे लिए अपनी बीवियों के लिए नहीं रोए अपने बच्चों के लिए नहीं रोए अपनी उम्मत के लिए रोए मेरे और आपके लिए रोए मिना में आप उम्मत के लिए रोए मुजल्फा में आप उम्मत के लिए रोए हतीम में आप उम्मत के लिए रोए गिलाफे कबा को पकड़ के उम्मत के लिए दुआएं की लंबी लंबी दुआएं की हत्ता कि आपके इतनी दुआ फरमाते इतनी इबादत फरमाते कि आपके अदमैन में वर्म आ जाता और सूरतफ़ुरक़ान में नबी करीम अलैहि वम का ये कौल क़ुरान की आयत की शक्ल में मौजूद है कि क़्यामत वाले दिन अल्लाह के सच्चे प्यारी और आखिरी रसूल अलैहि सैद महमद फिदा अब्बी उम्मी इशात फ़रमाएंगे या रब्बे इन्नी कौमी इतु हाजल कुरान महजूरा तो फिर हमारा क्या बनेगा कि ए मेरे रब मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ दिया था तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों हम सबको तोबा इस्तफार करनी है। ये कोरोना ऐसे नहीं आया इसकी कुछ वजूहत हैं अगर अल्लाह के यहां तीस शाबान है और हमने यकम रमजान मना दिया प्री प्रिंटेड कैलेंडर हमें तोबार करनी चाहिए ठीक है और अल्लाह के यहां तीस रमजान हो और हम यहां ईदे मना रहे होबा तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए अल्लाह ताला मुझे और आपको बहुत ज़्यादा और इस्तफार की तौफीक नसीब फरमाए और हम रो रो के अल्लाह ताला से ये दुआएं करें ऐ मेरे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम रो रो के अल्लाह ताला से ये दुआएं मांगा करें ये दुआ ज़रूर मांगा करें अपना सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ द्रुद शरीफ पढ़ने से पहले कम अज कम सौ मरतबा सुबह और सौ मरतबा शाम तो द्रुद शरीफ जरूर पढ़ें लेकिन एक हज़ार मरतबा अगर हम हर रोज़ दुरुद शरीफ पढ़ लें तो नूर नला नूर उसमें बिछारते हैं और जब बिस्मिल्लाह पढ़ें और द्रुल शरीफ जब पढ़ने लगे पहला दूर शरीफ जब आप पढ़ लें तो उसके बाद उस वक़्त ठहर जाए अर्ज़ करें या अल्लाह ऐ मेरे प्यारे अल्लाह मुझे नबी करीम अलैहि व्लम की मोहब्बत और उनका अदब नसीब फरमा ए मेरे प्यारे अल्लाह मुझे मेरे बीवी बच्चों को मेरे आने वाली नस्लों को नबी करीम सन्नतें ज़िंदा फरमा सन्नतों को मेरी ज़िंदगी में भी जिंदा फरमा मेरी आने वाली नस्लों में ज़िंदा फरमा आज हम जो नेकी कर रहे हैं इस की जजा अल्लाह हमें इनशाला यूँ देंगे कि हमारी आने वाली नस्लें भी नेक होंगी और माज अल्लाह आज अगर सुन्नत के बारे में हमने एक नामुनासिब कैजुअल इस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया जो कि हो रहा है तो डर है कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएंगे अल्लाह सुबहान तला को इस पूरी कायन में सबसे ज्यादा मोहब्बत सैद रसुल्ला सल्ला से है अल्लाह तला को बहुत मोहब्बत है अपने प्यारे महबूब से और जो प्यारे आकर सल्लाह वसलम से मोहब्बत करेगा قل ان كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم अगर तुम ये कहते हो तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह करो जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे तो हमें नबी करीम अलैहि वसल्लम की वाजिब सुन्नत है चांद देखना हम चांद देखें अमेरिका में शिकागो हिलाल डॉट और के गाल वहां पर आप जाके चेक कर लें चांद नजर आया है कि नहीं वहाँ पर माशा हमारे काबिल एहतराम कराम हम हो जाएँ उन परबान अल्ला मेंमाय कराम की महब्बत और उनका अदब नसीब फरमाए अल्लाह हमारे आने वाली नस्लों में उमा पैदा फरमाए उफास पैदा फरमाए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा अनटिल नेक्स्ट टाइम असल वरहल वर्कू